ये हम घर की तरफ जाते हुए ये देखिए, क्योंकि ये वॉकिंग डिस्टेंस पर था ये मंदिर दोस्तों, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम पैदल जाएं और आप लोगों को ये व्यू पूरा दिखाते हैं। ये देखिए, ये दोनों चलते हुए, अभी तुम दोनों के लिए सरप्राइज रखा हुआ है मैंने गाइस, इनका सरप्राइज आने वाला है। ये दोनों हाँ, ये दोनों को देख अभी देखो, देते हैं हम आपको सरप्राइज। दोहा घाट में है बेटा, हम लोग जा रहे हैं, हम पहुँचने ही वाले हैं, जो मैंने इनके लिए सरप्राइज रखा हुआ है। बस जैसे वहाँ पर पहुँचते तब मिलती हूँ आपसे। ये दोनों सोचने में जब बेचारे ऐसे शांति से जा रहे, सोचते सोचते क्या कि चाची ने क्या सरप्राइज रखा हुआ है। ये मेरे लिए नया फोन और बाइक। अभी तुम इतने छोटे हो तो मान लो ये चीज़ को सरप्राइज नहीं कर सकती इतने जल्दी में, ठीक है? तो फिर कुछ छोटा सोचो यार, सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब जरूरी नहीं है कि कुछ बड़ा हो, कुछ छोटा भी तो हो सकता है सरप्राइज। सरप्राइज तो सरप्राइज है। डॉगी हमारा, हम जा रहे थे तो ये गोल्डन रिट्रीवर। हाँ ये देखिए छोटा ना, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। ये मंदिर है, यहाँ पे राम मंदिर है भगवान जी का, यहाँ पे ये राम लीला स्टेज है। ये राम लीला स्टेज राम मंदिर है दोस्तों, जहाँ से हम जा रहे थे वहीं से है। तो अब मिलती मैं थोड़ी देर में, उनका सरप्राइज आने वाला है। ये हम जा रहे हैं, ये क्या रेस्टोरेंट? हाँ ये है देखो, ये इनको मैंने बोला था अपने आप लोगों को रेस्टोरेंट पे लेके जाऊंगी। तो गाइस ये देखिए, ये ख्याल है यहाँ पे अच्छा रेस्टोरेंट है काफ़ी, तो आप लोग यहाँ पे आइए अपना एंजॉय कीजिए। ये देखिए गाइस बहुत खूबसूरत है अंदर से। चलो दोनों अंदर जाते हुए रेस्टोरेंट में, तो मैं एंट्री कर ली है। चलो अब हम लोग बैठेंगे 3 सीटर पर। देखो कहाँ पे, यहाँ पे बैठे नहीं, ठीक है। तो हम लोग बैठे हैं रेस्टोरेंट में और ये देखिए बहुत सुंदर रेस्टोरेंट है ये, तो यहाँ पे आप आइए और बहुत खूबसूरत जगह है ये। तो यहाँ पे मतलब आप कम रेट में बहुत अच्छा खाना मिलता है, हर चीज़ अच्छी मिलती है, तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइए, ख्याल रेस्टोरेंट करके है लोहाघाट के अंदर, ठीक है। आप लोगों का सरप्राइज भी रखा हुआ है, थोड़ी देर में वो दिखाएंगे। और आप लोगों को कैसा लग रहा है आज यहाँ पे सत्संग? बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों ने ऑर्डर भी कर लिया गाइस, इन दोनों ने ना एक एक बर्गर ऑर्डर करा हुआ है अपना, चीज़ बर्गर। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, दोनों का बर्गर आ चुका है। तो अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ इनमें से सबसे पहले कौन खाता है। हाँ चलो स्टार्ट हो जाओ। तो नूडल्स लिए थे अपने लिए, मेरा नूडल आ गया। और इन दोनों का देखो, ये स्टार्ट होने वाले हैं थोड़ी देर में, दोनों का स्टार्ट हो गया बर्गर कॉम्पिटिशन। देखिए कौन जल्दी खाता है। चलो दोनों बहुत जल्दी खाते हैं। सक्सम अभी फर्स्ट पे चल रहा है, सक्सम ने 2-3 बाइट ले लिए। सिया तू फास्ट बेटा, मुझे लगता है कि सक्सम जीत जाएगा। फिर एक और बर्गर ऑर्डर किया जाएगा इसके लिए, जो जीतेगा। सिया आपको कैसा लग रहा है? सिया यार देखो आपको कैसा लग रहा है?
पहले हार मान ली, इसका मतलब सक्षम जीत गया है। तो सक्षम को मिलेगा एक और बर्गर, थोड़ी देर में मिलते हैं। और मेरा यहाँ पे मैंने नूडल ऑर्डर किया हुआ है, तो हम सब लोग यहाँ पे इंजॉय करते हुए आपसे भी थोड़ी देर में मिलते हैं। चलो कौन फेस करेगा जल्दी से, देखो ये खाते हुए इसने अब फिनिश करने वाला है सक्षम का। यदि बस अब से पता चल जाता है इसके अंदर पूरा बचा सक्षम जीत गया, हमने मान लिया सक्षम जीत गया। अभी फिर हम मिलते हैं लगा। आप दोनों को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अभी ये हम लोग ने थोड़ा बहुत खा चुके हैं, दोनों मम्मी और बेटी बहुत खुश है। शेक कौन सा ब्राउनी शेक कौन सबसे पहले पीते हैं? फिर हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर। गाइस ये हम खा के निकल चुके हैं घर के लिए, सबसे मजा ये हम लोग घर के लिए जा रहे हैं। अब मिलते हैं हमसे घर पे थोड़ी देर में। हम पहुंच गए हैं, हमारा पेट और आप देख रहे हैं मुंह ऐसा क्यों हो रहा है, इन्होंने बहुत पेट पूरा टाइट हो रहा है, चढ़ने की भी हिम्मत नहीं है। चलो अब हम चल रहे हैं। किसने हां और सिया तो इतनी ज्यादा, ये टफी आ गई है देखो। चलो ये हम जा रहे हैं घर। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग चाहते हैं अगर ऐसे ही व्लॉग बनते रहें तो मेरे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।